इस पर बात होगी कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को एनालाइज कैसे किया जाता है इसका एनालिसिस कैसे किया जाता है तो इसके एनालिसिस में जो बात सामने रखनी है वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ अ कल्चर इज़ क्रिएटेड एम्बेडेड, डेवलप्ड, मैनिपुलेटेड मैनेज एंड चेंज्ड अब ये कल्चर के बारे में डिफरेंट उसके आस्पेक्ट्स हैं कि वो क्रिएट हुआ वो एम्बेड हुआ किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको डेवलप किया गया उसको मैनिपुलेट मीन उसको यूज़ किया गया उसको मैनेज किया गया और उसके अंदर चेंजेस की गई ये सारे जो स्टेप्स हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के बारे में उनको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी होता है टू अंडरस्टैंड द कल्चर इज़ टू अंडरस्टैंड योर ऑर्गेनाइजेशन कि किसी कल्चर को अंडरस्टैंड करने के मीनिंग ये हैं कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन को एज़ अ होल स्टडी कर रहे हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्म होने वाले तमाम के तमाम प्रोसेस जो हैं वो उस कल्चर से मुतासर होंगे नेगेटिव साइड पे या पॉजिटिव साइड पे तो कल्चर को अंडरस्टैंड करना इंतहा ज़रूरी है अब जब हम कल्चर की बात करते हैं तो इसके थ्री लेवल्स होते हैं इसको इन थ्री लेवल्स को समझ के ही हम इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो सबसे पहला लेवल जो है वो है आर्टिफैक्ट्स का आर्टिफैक्ट्स द विज़िबल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेस कि जो कुछ वहाँ हो रहा है और वो टेंजिबल फॉर्म में है वो विजिबल फॉर्म में है उसको हम आर्टिफैक्ट्स कहेंगे उसके बाद हैं वैल्यूज़ वैल्यूज़ आमतौर पर हिडन होती हैं और इसमें हम द स्टेटेड स्ट्रेटजीज गोल्स फिलोसफीज एंड जस्टिफिकेशन अब इसमें ये चार चीज़ें आई स्ट्रेटजीज हैं कि किसी काम को करने के लिए प्लान क्या है फिर गोल्स क्या सेट किए गए हैं फिर पीछे फिलॉसफी क्या है इंसानों की सोच किस तरह की है और फिर जो भी काम किया जा रहा है उसकी जस्टिफिकेशन क्या है यानी क्या रीज़न बिहाइंड है कि किस वजह से वो काम किया जा रहा है इन सब को मिला के हम वैल्यूज़ कहते हैं उसके बाद एजम्पन्स हैं एजम्पन्स में द बेसिक अंडर लाइंग एजम्पन्स एंड अनकॉन्शियस टेकन फॉर ग्रांटेड बिलीव्स परसेप्शंस थाट्स एंड फीलिंग्स ये सारी चीज़ें मिला के एजम्पन्स हैं एजम्पन्स भी किसी काम के पीछे होती हैं और उसकी बेसिस पे वो काम किया जा रहा होता है अगर हम इन तीनों कन्सेप्ट को बारी बारी देखें तो आर्टिफैक्ट्स क्या है आर्टिफेक्ट्स आर ईजी टू डिटेक्ट फॉर एग्ज़ाम्पल अड्रेस कोड बट दे मे बी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड इन ड्रेस कोड जो है वो एक टेंजिबल चीज़ है ड्रेस कोड के बारे में कहीं लिखा होगा या एक नया मेंबर उस ऑर्गेनाइजेशन का लोगों को देख रहा होगा कि कौन सा ड्रेस वो इस्तेमाल करते हैं इट रिमेंस अ चैलेंज टू डिसर और डेसिफर व्हाट लाइज बिनीथ देम कि जो आर्टिफेक्ट्स होते हैं उसके पीछे क्या रीज़न है उसको अंडरस्टैंड करना या सामने लाना मुश्किल होता है फॉर एग्जाम्पल वट इज़ द रीज़न फॉर दिस टाइप ऑफ ड्रेस कोड और अदर विजिबल स्ट्रक्चर्ड एंड प्रोसेस कि कोई काम अगर हो रहा है और वो विजिबल है तो उसके पीछे रीज़न क्या थी उस रीज़न को जानना आसान नहीं होता एक चैलेंज होता है उसके बाद वैल्यूज़ है वैल्यूज़ एक्सप्रेस इसेंशियल मीनिंग्स ऑफ बेसिक एजम्पन जो एजम्पन्स हैं उनके जो एसेंशियल मीनिंग्स हैं वो वैल्यूज़ हैं वैल्यूज़ डिफाइन अ सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेक्टेशन फ्राम इट्स मेम्बर्स के मेम्बर्स जो हैं उनसे किस तरह के रवैये की या किस तरह की सोच की एक तवक़ो या एक्सपेक्टेशन है उसको हम वैल्यू value कहेंगे वैल्यूज़ आर एक्सप्रेस्ड एंड ऑफन इम्पोज बाय द मैनेजीरियल एलीट एंड बिकम अ रेफरेंस सिस्टम फॉर एक्टिविटी असमेंट किसी भी एक्टिविटी को अगर असेस करना है तो एक रेफरेंस सिस्टम के तौर पर वैल्यूज़ काम आती हैं और इन वैल्यूज़ को इम्पोज़ कौन करता है दूसरों को बताता कौन है आम तौर पर मैनेजरियल एलिड का मतलब है कि जो सीनियर लोग होते हैं डेजिग्नेशन वाइज सीनियर होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर की लेयर के होते हैं मैनेजर्स और टॉप मैनेजमेंट जिसे कहते हैं वो इसको इनकलकेट करते हैं और इम्पोज़ करते हैं दे आर इंक्लूडेड इन एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स कि किसी भी मेंबर का जो एटीट्यूड या बिहेवियर होता है वो उसकी वैल्यूज़ को शो करता है इन ऑर्गेनाइजेशनल हैबिटेट कि जो वहाँ पे एक एन्वायरमेंट बना हुआ है ऑर्गेनाइजेशन में उस एनवायरमेंट में जो मेंबर्स का एटीट्यूड और बिहेवियर होता है जो उसकी सोच है उसकी लाइकिंग डिसाइकिंग है उसको हम एटीट्यूड कहते हैं और जो वो ज़ाहिर करता है दूसरों के साथ उसको हम बिहेवियर uh, कहते हैं तो उसके एटीट्यूड और बिहेवियर में आ, ये वैल्यूज जो हैं वो ज़ाहिर होती हैं इसके बाद है जी एजम्पन्स अब एजम्पन्स क्या है द पैटर्न ऑफ बेसिक अंडरलाइंग एजम्पन्स अंडरलाइं का मतलब है हिडन कैन फंक्शन एज अ कॉग्नेटिव डिफेंस मैकानिज़म फॉर इंडिविजुअल्स एंड द ग्रुप उन उनकी जो फ़िलासफ़ी है उनकी जो सोच है जो किसी भी काम के पीछे होती है उसको हम एजम्पन कहते हैं एज अ रिजल्ट कल्चर चेंज इज़ डिफ़िकल्ट चूँकि पीछे एजम्पशन होती हैं तो कल्चर को चेंज करना आसान नहीं होता और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है एंड एनजाइटी प्रवोकिंग भी होता है यानी इसमें परेशानी भी होती है इसमें वक्त भी ज़्यादा लगता है और यह डिफ़िकल्ट भी होता है कल्चर्स आर डीप सीटेड प्रोवेसिव एंड कॉम्प्लेक्स डीप सीटेड होते हैं वो गहराई तक उतर चुके होते हैं वो प्रोवेसिव यानी यूनिफॉर्म या यूनिवर्सल होते हैं उसके बाद वो मुश्किल भी होते हैं एंड इट कैन बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू ब्रिंग एजम्पन्स टू द सरफेस और एजम्पन्स को सामने लाना इनको टेंजिबल फॉर्म में लाना भी एक मुश्किल काम है इसके बाद है जी आप अगर डायग्नोज करना चाहेंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को तो कैसे करेंगे अ नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एग्जिस्ट दैट कैन हेल्प डाइग्नोज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर आप मालूम लेंगे और मालूम कैसे लेंगे डायग्नोसिस की इसके लिए टूल्स हैं दीज आर सर्वेज और क्वेश्चन दैट हेल्प टू आइडेंटिफाई द क्रिटिकल आस्पेक्ट्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग कल्चर एंड प्रोवाइड अ प्रोफाइल ऑफ़ एन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इन द फॉर्म ऑफ एन ओरिएंटेशन आप एक ऑरिएटेशन बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन और सर्वे आप एम्प्लॉज़ का सर्वे करें इसमें ऑब्जरवेशन मेथड भी हो सकता है इसमें उनकी जो ओपिनियंस हैं उसका सर्वे भी हो सकता है और एट द एंड आप एक ओरिएंटेशन की सूरत में एक नए मेंबर को आप आप जो कल्चर है ऑर्गेनाइजेशन का वो सिखाने के लिए कोई लर्निंग या ट्रेनिंग मटेरियल तैयार कर सकते हैं